अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 7, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 6 ओमिटेड सेक्शन है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहते हैं? सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, काउंसिल टू फ्रेम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आपका फ्रेमवर्क बनाएगी उसके तहत ही आपकी जो काउंसिल है वो काम करेगी। किस तरीके से? द काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, जो भी काउंसिल बनाई जाएगी इस एक्ट के तहत वो सारी के सारी अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो भी उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया उस फ्रेमवर्क के तहत ही वो काम करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 7 हमें सिंपली क्या कहता है कि द काउंसिल शल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो काउंसिल है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, ठीक है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होनी चाहिए, एंड कॉमन सील, जो कि एक कॉमन सील होनी चाहिए, विद पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजन, जिसके पावर जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिसके पावर जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट होने चाहिए, यानी कि जो भी पावर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट होने चाहिए, एंड द रूलर टू द अक्वायर होल्ड एंड अलाइनेट प्रॉपर्टी, और वो जो है रूलर कर सके, अक्वायर कर सके, होल्ड कर सकते और अलाइनेशन कर सके उस प्रॉपर्टी की, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, यहाँ पर बात कर रहा है बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज की, एंड शल बी इट्स नेम, और उसका नाम भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, जो कि सू भी हो सके और सूट भी हो सके, जो कि सू कर सके और सूट हो सके। द सील शल बी अकॉर्डिंग विद द डिस्क्रिप्शन, और जो सील होगी वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन होगी, अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, जो कि अप्रूव होगी किसके जरिए से? बाय द काउंसिल के जरिए, एंड शल रिमेन इन कस्टडी, और ये किसकी कस्टडी में होगी? ये होगी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीई के कस्टडी में, हु शैल बी रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रॉपर यूज, जो कि रिस्पांसिबल होगा इसके प्रॉपर इस्तेमाल का, यानी कि प्रॉपर यूज, प्रॉपर इस्तेमाल का। अब यहां पर ये बात किस चीज की कर रहा है? ये सेक्शन नंबर 7 हमें सिंपली हमें किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 5 तो हमने समझ लिया, सेक्शन नंबर 7 हमें बात कर रहा है काउंसिल टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो आपकी काउंसिल है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती तो फिर वो जो है काम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो ही वो प्रॉपर काम कर सकेगी, और उसका फर्दर जो उन्होंने बताया कि उसकी एक प्रॉपर सील होनी चाहिए और जो कस्टडी है वो होनी चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, और वो जो है उसके प्रॉपर यूज का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आज हमने क्लियर किया सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 7, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू डियर सर।